फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त गगन। आज हम बात करेंगे शाइन SP CB 125 के, जो कि कॉम्बो ब्रेक सिस्टम के साथ आ चुकी है। उसका डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। आपको तो नॉलेज होगा कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के तहत कॉम्बी ब्रेक होनी चाहिए 125 के नीचे, तो 125 सीसी है। उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स दे देता हूँ। चलिए, कैसा है, कैसा परफॉर्मेंस है, चलिए। ये जो कलर है पर्ल सायरन ब्लू है, आपको ऐसा लग रहा होगा ब्लैक में येलो का कवरिंग है, बाकी है इस ब्लू है, डार्क ब्लू है जो ऐसा दिख रहा है। स्टिकरिंग की हुई ये 5 कलर में अवेलेबल है स्टिकरिंग के साथ। और ये स्पोर्ट्स मॉडल है CB 125, या आप शाइन SP बोल सकते हैं इस गाड़ी को। तो ये इसका लुक है, यहाँ पर आपको मेंशन मिलेगा कॉम्बी। तो ये सामने का लुक है इस गाड़ी का, यहाँ पर आपको नंबर प्लेट मिलेगा। ये इसका हेडलैम्प है, इंडिकेटर है, यहाँ ग्राफिक्स दिया हुआ है, ये ब्लैक में है, यहाँ होंडा की स्टिकरिंग की हुई है, इधर भी ग्राफिक्स मिलेगा, ये इंडिकेटर दिया है। ये इसका लुक है यहाँ पर। यहाँ पर अगर इधर से बात करें अपन, तो इधर डिस्क नहीं है, इसमें आपको ऑप्शन भी मिल सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है डिस्क में कि आपको नॉर्मल ट्रम्प में चाहिए। तो ये इसका लुक है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि ये कॉम्बी ब्रेक है। ये कॉम्बी ब्रेक में अगर सामने से आप ब्रेक दबाते हैं तो ये वाला लीड काम करेगा, अगर आप पीछे का ब्रेक दबाते हैं तो ये काम करेगा। तो ये कॉम्बी ब्रेक सिस्टम का वर्क ऐसा वर्क करता है। यहाँ आपको टेलीस्कोपी फोक्स मिल जाते हैं। स्पोर्ट्स लुक की बात करें तो स्पोर्ट्स लुक की बात करने के लिए यहाँ पर आपको श्राउड दिया हुआ है और इसके ऊपर ग्राफिक्स की हुई है। और ये ग्राफिक्स में यहाँ पर बीच में SP लिखा हुआ है, यहाँ CB 125 मेंशन किया हुआ है। ये गाड़ी के इंजन की अगर हम बात करें तो 125 सीसी एयर कूल्ड इंजन है, सिंगल सिलेंडर है। पावर की बात करें तो 10.19 का BHP पैदा करती है, 10.30 का NM का टॉर्क है इस गाड़ी का। आपको यहाँ पर 5 गियर मिलेंगे, न्यूट्रल 1 2 3 4 5, तो ये 5 गियर यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये फिर जैसा है आज की डेट में लुक को ध्यान में देते हुए, तो इसका जो रिजर्व है ऑन ऑफ है बहुत अच्छा दिख रहा है, लुक बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको CB 125 का ग्राफिक्स मिलेगा, यहाँ ग्लॉसी लुक है, यहाँ पर मैट फिनिश का लुक है जिसके ऊपर स्टिकरिंग की हुई है 125 की। यहाँ पर आपको चेन कवर मिलेगा और हाइड्रोलिक मिलते हैं, जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये आपको 110-125 से सेगमेंट में यही आपको मिलेगा होंडा के में। यहाँ पर आपको शाइन SP का पीली स्टिकरिंग के ऊपर वाइट का कलर में लिखा हुआ है, और ये कलर मैं आपको बताया कि ब्लू कलर है, तो ये ब्लू कलर है। और यहाँ पर आपको ओपन करने के लिए दिया हुआ सीट, आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। पीछे की बात करें रियर की, तो रियर में ये आपका टेल लाइट दिया हुआ है, यहाँ होंडा लिखा हुआ है, ये आपके जो नंबर प्लेट है उसमें लाइट डालने के लिए, और ये इंडिकेटर है। ये पीछे का लुक आप देख सकते हैं। यहाँ अगर बात करें रियर बैक की, तो 1800 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ है। तो ये C8 जूम के टायर इसमें आपको अलॉटेड है। मैट फिनिश के ऊपर क्रोम की लुक दी हुई है। तो ये मफलर जो है डबल टून आपको मफलर मिलेगी। यहाँ पर आपको सेम स्टिकरिंग की हुई है शाइन SP की। यहाँ पर कॉम्बी ब्रेक जो मेन मैं जिसके लिए बता रहा हूँ, और ये 2019 मॉडल के लिए है, कॉम्बी ब्रेक आया हुआ है। यहाँ पर BS4 मिलेगा, CB 125 मेंशन की हुई, यहाँ कीक मिलेगी आपको, और होंडा की यहाँ पर इंजन में रेड से होंडा मेंशन किया हुआ है। इंजन के बारे में बता दिया मैं आपको। ये यहाँ का टायर्स जो है फ्रंट के मैंने आपको बता दिए, डिटेल्स आपको मेंशन कर दी है अगर। और ये आपका मैट है, ग्रेविल मैट फिनिश में दिया हुआ है। टैंकी की सिटी की बात करें तो 10.5 लीटर का आपका टैंक मिलता है इस गाड़ी में। यहाँ पर आपको अप एंड डाउन पास इंडिकेटर हॉर्न और ये चौक के लिए दिया हुआ है। और ये ऐसा लुक है। यहाँ पर आपको सेल्फ भी मिलेगा, सेल्फ के साथ किक भी है गाड़ी में। और ये इसका सामने का डिजिटल लॉक है, वो ये इसका लुक है। यहाँ पर आपको न्यूट्रल हाई बीम इंडिकेटर, और यहाँ पर जो डिजिटल है उसमें आपको सर्विस रिमाइंडर भी आपको शो करेगा। ये एक चीज़ इसमें आपको ऐड की गई है, बाकी आपका फ्यूल गेज ये है, इसमें आपको स्पीड मेंशन किया, स्पीडोमीटर दिया हुआ है। तो दैट्स द लुक ऑफ दिस बाइक। तो कैसा लगा आप मेरे को ये बताइए। यहाँ टंकी में आपको जो श्राउड है उसमें नहीं है, टैंक में आपको क्या बोलते हैं होंडा का लोगो है जो कि क्रोम है और बहुत ही स्टाइलिश है। दैट्स द लुक ऑफ दिस बाइक। कैसा लगा आपको 125 CB, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल्स दे दिया हूँ, और कॉम्बो ब्रेक सिस्टम है, बहुत अच्छा है, कंट्रोलिंग और अच्छी हो गई है जो बहुत ज़रूरी थी सेफ्टी के हिसाब से। अगर एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 63,710 एक शोरूम प्राइस है इस बाइक का, एक शोरूम प्राइस। तो कैसा लगा आपको,
और लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे, अगर इंटरेस्टेड हैं बाइक खरीदने उसका भी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।